नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विद्यार्थियों, शिक्षकों और उनके अभिभावकों से परीक्षा पर करेंगे चर्चा। कार्यक्रम में परीक्षा से उत्पन्न तनाव के निदान पर होगी बातचीत। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न, 79.12% मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का उपयोग। प्रदेश में स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने प्रयास किए और तेज, चिकित्सा मंत्री ने आला अधिकारियों की ली बैठक, आज से रहेंगे प्रभावी जिलों के दौरे पर। नए बने पांचों मेडिकल कॉलेजों में भी अब स्वाइन फ्लू की हो सकेगी जांच, राज्य सरकार ने अतिरिक्त धनराशि के तौर पर 1-1 करोड़ रुपए की राशि की मंजूर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता जॉर्ज फर्नांडिस का निधन, प्रधानमंत्री सहित सभी बड़े नेताओं ने जताया शोक। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने चोमू में एक निजी कॉलेज के समारोह में की शिरकत, कहा भारत युवाओं का देश है और युवा अगर कोई लक्ष्य ठान ले तो उसे कर सकते हैं हासिल। बीकानेर में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने ईएसआई अस्पताल का किया शिलान्यास, अस्पताल में बीमित व्यक्तियों को आपातकालीन ओपीडी, लेबोरेटरी, ऑपरेशन थिएटर एवं मातृत्व सेवाएं हो सकेंगी उपलब्ध। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश, बांसवाड़ा में कहा सरकार जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध। डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम राजमार्ग के अधूरे पड़े काम को जल्द किया जाएगा पूरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया आश्वासन। राज्यपाल कल्याण सिंह से राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के एक दल ने की शिष्टाचार भेंट, दल में भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस और सेना के अधिकारी रहे मौजूद। साहित्य का कुंभ जाने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कल हुआ समापन, अंतिम सत्र में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की वार्ता रही सुर्खियों में। समानांतर साहित्य पर जयपुर में कल रविंद्र मंच पर हुआ भारतीय अंग्रेजी काव्य पाठ का आयोजन, नामी कवियों ने सुनाई रचनाएं। नई दिल्ली के लाल किला प्रांगण में भारत पर 2019 में राजस्थान के लोक कलाकारों ने दी नया प्रस्तुति, डेजर्ट सिंफनी से बांधा समा, चरी, भवई, घूमर और कालबेलिया आदि लोक नृत्यों की दी मनमोहक प्रस्तुतियां। भारत ने न्यूजीलैंड से तीसरा वनडे 7 विकेट से जीतकर सीरीज में बनाई अजेय बढ़त, कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जमाया अर्धशतक। और प्रदेश भर में सर्दी का सितम जारी, फतेहपुर में लगातार तीसरे दिन पारा शून्य से नीचे, चूरू में भी न्यूनतम तापमान माइनस में।